लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बालासाहेब मिर्जे ने मुंबई मनपा उपायुक्त अमरीश पटनीगिरी को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। एक प्रेस मीट में बालासाहेब मिर्जे ने कहा कि जब से अमरीश पटनीगिरी अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त बने हैं तब से मुंबई में अतिक्रमण, अवैध निर्माण और डेब्रिज माफियाओं की बाढ़ आ गई है। बालासाहेब मिर्जे के अनुसार पटनीगिरी के अतिक्रमण विभाग में 10,000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि कहीं मनपा में अतिक्रमण घोटाला तो नहीं चल रहा जिसमें हर कोई अपनी जेब भरने में जुटा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अमरीश पटनीगिरी को हटाओ, मुंबई को बचाओ। देश की नंबर वन सिटी मुंबई बन रही है अवैध निर्माण का अड्डा। महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग खुद करवा रहा है अवैध निर्माण। उपायुक्त पटनीगिरी के संरक्षण में हो रहा इलीगल कंस्ट्रक्शन। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के मुंबई जिलाध्यक्ष बालासाहेब मिर्जे ने ऐसे कई संगीन आरोप लगाते हुए उपायुक्त अमरीश पटनीगिरी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। बालासाहेब मिर्जे का आरोप है कि पटनीगिरी जब से इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के मुखिया बने हैं तब से शहर में अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है। उनके कामकाज और भ्रष्टाचारी रवैये के खिलाफ दर्जनों शिकायतें, सैकड़ों आरोप और कोर्ट केस दाखिल हैं, फिर भी आयुक्त अभिजीत बांगर उन्हें हटाने को तैयार नहीं है। बालासाहेब मिर्जे ने कहा कि अवैध निर्माण की 10,000 से अधिक शिकायतें लंबित पड़ी हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो अतिक्रमण घोटाले का बड़ा संकेत देती है। मिर्जे ने कहा कि यही वजह है कि हर कोई उपायुक्त पटनीगिरी को हटाने की मांग कर रहा है। उपायुक्त अतिक्रमण का जो अधिभार उनके पास दिया है, पटनीगिरी साहब के पास, तो उनको हटाने का मेरा हमारा ही नहीं है तो बहुत लोगों का मांग है। बहुत सालों से वो 2017 से वो पद के ऊपर है, 3 साल के ऊपर ज़्यादा हुआ है, तो कोई अच्छा अधिकारी उसके ऊपर बिठाना चाहिए और इनको दूसरा डिपार्टमेंट देना चाहिए। इनके कार्यकाल में बहुत बड़ा अतिक्रमण हुआ है और बहुत बड़ा अतिक्रमण घोटाला हुआ है। इसके पहले ही पटनीगिरी साहब के खिलाफ बहुत सारे केसेस हुए, कोर्ट केसेस हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे FIR हुए हैं, लोगों का उनके ऊपर एलिगेशन है, मगर तो भी इनको हटाया नहीं जाता है। इसके पीछे राज क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई आर्थिक घोटाला रहेगा, ये कोई किसी को पैसा देते होंगे, या तो आयुक्तों को पैसा देते होंगे, या तो पॉलिटिकल किसी को पैसा देते होंगे, इसीलिए उनको हटाना चाहिए। और बहुत बड़ा अतिक्रमण हुआ है, आप देखते रहेंगे कि कितना सारा कंप्लेंट आता है महानगर पालिका के पास कि अतिक्रमण बहुत है, मगर ये पटनीगिरी साहब जब से है तभी से अतिक्रमण सबसे ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए हमारी मांग है कि उनको हटाना चाहिए, मुंबई को अच्छा होना चाहिए। आयुक्त अभिजीत बांगर लोगों को गुमराह करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष और रिपाई नेता बालासाहेब मिर्जे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आयुक्त की नीयत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अभिजीत बांगर मुंबई के प्रशासक और राजा हैं, उन्हें अवैध निर्माण और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वे भी अक्सर खामोश रहते हैं। आयुक्त लोगों की शिकायतों पर सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते और झूठा भरोसा दिलाकर गुमराह करते हैं। बालासाहेब मिर्जे ने दावा किया कि आयुक्त को जहाँ से पैसा मिलता है सिर्फ उनके लिए काम करते हैं, ठेकेदारों को सम्मान देते हैं, जबकि जरूरी सामाजिक विषयों पर गंभीरता नहीं दिखाते। मिर्जे की माने तो आयुक्त और उपायुक्त दोनों की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन सबसे पहले पटनीगिरी को हटाने की जरूरत है। माननीय आयुक्त साहब, जो है हम कितना भी हमने तकरार करने दो और कोई पार्टी के लोगों ने करने दो, तो वो खाली बातें करते, लोगों के सामने हंसते, मीठा मीठा बात करते, ये बातों में वो लोगों को गुमराह करते। काम प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है। काम कौन सा होता है? जो अभी पहले नगर सेवक थे वो वहाँ पे जाते हैं, अपना फाइल देते हैं, उसके ऊपर कोई परसेंटेज मिलता है आयुक्त को या उनका कोई आदमी हो, वही लोगों का काम होता है। मगर सोशल जो काम है वो उनसे होता नहीं है। भले इनकी जो पूरी टीम है आयुक्त की, वो कैप्टन है और ये पूरी उनकी टीम है, ये टीम कोई भी काम नहीं करते। इसीलिए ये पटनीगिरी साहब को भी हटाना चाहिए, ये आयुक्त को भी हटाना चाहिए, और ये जो लोगों ने पैसा खाया है ये लोगों का,
इंक्वायरी लगना चाहिए, ऐसा हमारा दावा है। फिलहाल अमरेश पटनीगिरी इन आरोपों पर मीडिया को जवाब देने को तैयार नहीं है। टीवी वन इंडिया की पहल पर वे न तो मिलने के लिए समय दिए न ही फोन उठाए। वैसे भी पटनीगिरी मनपा के सबसे विवादित, बदनाम और अड़ियल अधिकारी माने जाते हैं। फिलहाल वे 3 विभागों के प्रभारी हैं, जिनमें अतिक्रमण और डेब्रिज नियंत्रण विभाग प्रमुख हैं। हालांकि बड़ी सच्चाई ये है कि दोनों जिम्मेदारियां निभाने में वे पूरी तरह विफल रहे हैं। खैर, इतना कुछ होने पर भी उन्हें अतिरिक्त आयुक्त बनाने की तैयारी चल रही है। संभवतः तब उनसे सवालों का जवाब जरूर मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।